फिल्म मेकर राकेश रोशन भी इन दिनों कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है, जिससे पता चलता है कि राकेश रोशन कैंसर की बीमारी से सफर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दरअसल इस बात का खुलासा ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके किया है। ऋतिक ने अपने पिता के संग तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मैंने आज सुबह पापा से तस्वीर के लिए पूछा, उन्होंने सर्जरी के दिन भी जिम को मिस नहीं किया, वो सबसे मजबूत आदमी है जिन्हें मैं जानता हूँ। कुछ सप्ताह पहले गले में कैंसर के प्रारंभिक चरण स्कैमस सेल कार्सिनोमा की पुष्टि हुई है, लेकिन वो आज ऊर्जा से भरपूर है क्योंकि उन्हें लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है। एक परिवार के तौर पर सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसा लीडर मिला है, बहुत सारा प्यार डैड। तो ऋतिक ने कैप्शन में ये बात लिखी। ऋतिक रोशन की पोस्ट पर तमाम फैंस राकेश रोशन के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बहुत अच्छे राकेश, मैं भगवान से आपके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। एक अन्य यूजर ने लिखा कि भगवान आपके परिवार को ताकत दे, राकेश आप जल्द ठीक हो जाए। ऋतिक रोशन की ये पोस्ट कुछ ही समय में वायरल हो गई और लोग लगातार राकेश रोशन के लिए दुआएं करने लगे। इसे बता दें कि राकेश रोशन क्रिस फ्रेंचाइजी के चौथे चरण पर काम शुरू कर चुके हैं। ऐसी खबरें हैं कि फिल्म के चौथे पार्ट में ऋतिक रोशन सुपर हीरो तो बनेंगे, इसके अलावा वो विलन के रोल में भी नजर आ सकते हैं। क्रिस 4 साल 2020 में क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन फिलहाल राकेश रोशन की कैंसर की खबर सुनकर हर कोई सकते में है। बीते दिनों इरफान खान को न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर और सोनाली बेंद्रे को कैंसर की खबर होने से भी लोगों को झटका लगा था, फैंस चौंक गए थे। सोनाली बेंद्रे न्यूयॉर्क में 7 महीने तक इलाज करवाने के बाद मुंबई लौट आई हैं। इरफान भी बीते साल मार्च से ही लंदन में अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन अब राकेश रोशन की इस बीमारी की खबर से फैंस काफी दुखी हैं और लगातार दुआएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर दुआओं से भरे पोस्ट हैं, राकेश को हिम्मत बांधते ये पोस्ट वाकई सराहनीय है। आइए हम सभी दुआ करते हैं कि राकेश रोशन जल्द ठीक हो जाएं, इस गंभीर बीमारी से लड़कर एक बार फिर से अच्छी फिल्मों के साथ अपने चाहने वालों का, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का मनोरंजन करें, अच्छी फिल्में दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।